Students of 12th class, today we shall take up the same question which we are doing yesterday. That was various methods are there through the help of which values can be developed. Kal humne ek padha tha, wo tha no gap between words and actions. And today we will go well planned program of physical education. Physical education ka program jo hona chahe, wo well planned hona chahe. Various methods and situations which promote the development of desired values must be carefully planned. Various methods or situations jo hote hain, which promote the development of desired values must be carefully planned. Har koi cheez jo zindagi mein hota hai, wo proper planning ke saath hona chahiye. Jaise aap logon ne kisi ne medical rakha, kisi ne somebody has taken non-medical, somebody art, somebody humanities. Why? Because of your efficiency or because of your interest in those subjects. Matlab wo, that is a proper planning. You are going according to a proper plan and later on you will definitely show good performance in these subjects which you have taken. सो अगर कोई आपको थ्रस्ट करता है ना, इफ somebody thrusts यू इन प्लेस ऑफ आर्ट, somebody says यू टेक नॉन मेडिकल, तो आपको वो ना उसमें मज़ा आएगा ना उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, वही समझाता है यहाँ पर. तो वो हो गया वेल प्लान्ड हमारा प्रोग्राम. तो वेरियस मेथड्स एंड सिचुएशन विच प्रमोट द डेवलपमेंट डिजायर्ड वैल्यूज मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड. प्रॉपर प्रोसीजर एंड वेल अरेंज्ड प्रोग्राम शुड बी एम्प्लॉयड टू प्रमोट वैल्यूज अमंग स्पोर्ट्स पर्सन्स. तो प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए और वेल अरेंज्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि स्पोर्ट्स पर्सन में वैल्यू सिस्टम बढ़ जाए. वैल्यू सिस्टम बढ़ जाए, उसका प्रॉपर कोई तरीका होना चाहिए. ऐसे ही नहीं, वैल्यूज शुड बी कॉन्टीन्यूसली एम्फेसाइज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. और वैल्यूज़ के बारे में रोज़ बोलना पड़ता है या रोज़ बोलना चाहिए कि वैल्यूज़ से इंसान का क्या फ़ायदा रहता है. तो वैल्यूज़ के बारे में इट दीज शुड बी डिस्कस्ड ऑन डे टू डे बेसिस और डेली बेसिस, सो दैट दीज थिंग्स दीज वैल्यूज़ कैन गेट इन टू द माइंड ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन एंड देन ही विल रन इन हिज ब्लड ऑल्सो. जब तक ये चीज़ें अच्छाई जो है वो जब तक खून में नहीं जाती ना, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. ऊपर ऊपर से ही थोड़ा लोग दिखाते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन दिल से जो अच्छा होता है ना, उसका स्वाद और उसकी मिठास तो अलग ही होती है और दूर से वो बंदा जो है पहचाना जाता है कि इसका दिल कितना अच्छा है, कितना साफ है. तो वो चीज़ जो है वैल्यू, इसलिए बार बार उसको सिखानी पड़ती है, बार बार बोलनी पड़ती है. एंड सेकेंड is there, winning should not be only, should not be the only thing. और ऐसे है कि कोचिंग के दौरान या बचपन से ही घर में भी माँ बाप भी बोलते हैं, अब भी जब भी को कंपटीशन में जाओ, जब भी कोई कोर्स करो तो विन विन ही होनी चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विन हो जाए. अब कितने बंदे जो होंगे जो स्पोर्ट्स में जाएंगे और सभी के सभी जीत के आएंगे. तो मैच जो टूर्नामेंट में 10 टीम्स होती है, 15 टीम्स होती है, जीतेगी तो एक ही टीम जीतेगी ना, सभी थोड़ी जीतेंगी. एक ही बंदा जीतेगा ना, सभी कहाँ जीत पाएंगे. लेकिन लोग बोलते हैं कि आप जब भी जाओ जीतने के लिए जाओ, तो उससे क्या होता है, उससे इसका टकराव रहता है और वैल्यू सिस्टम जो इंसान का बिगड़ जाता है. लेकिन इसके बरक्स अगर इफ़ ए पर्सन और ए सपोर्ट्स पर्सन इज़ टॉट फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगनिंग दैट यू हैव टू प्ले फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, ठीक है, खेल की खातिर खेलना है ना, जीत के लिए नहीं खेलना है. तो विक्ट्री शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड टू मच, विक्ट्री पर ज़्यादा जोर ना दे. इट शुड बी टेकन एज ए पार्ट ऑफ गेम, इसको एक पार्ट ऑफ गेम होना चाहिए. विक्ट्री हो या डिफीट हो, जो भी निर्णय आए, जो भी रिजल्ट आए कल, उसके बारे में कम सोचा करें. लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप जब भी खेलें, खिले टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ योर स्किल्स. तो ये होना चाहिए माइंड में, ओनली द बेस्ट विन एंड द रेस्ट हैव टू बी सेटिस्फाइड विद देयर डिफीट, सेटिस्फाइड विद द डिफीट. और जो बेस्ट होते हैं वही सिर्फ जीत पाएंगे और बाकी को तो डिफीट ही मिलेगी. सारे के सारे हम बोलेंगे जीतेंगे, ऐसा तो कोई रूल है नहीं. ट्राई ट्राई अगेन शुड बी द मोटो फॉर अचीविंग टॉप रैंक. ट्राई ट्राई अगेन, एक बार आप असफल रहे तो दूसरी बार आप ज़रूर इसके लिए कोशिश करें, ज़रूर ट्राई करें. दूसरी बार भी ना हुए तो तीसरी बार करें और ट्राई इतनी बार करें कि एक टाइम आप टॉप रैंक पर पहुँच जाएँ, आप जीत ही जाएँ.
फिजिकल एजुकेटर्स आर टीचर्स और कोच मस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर देयर फेलोज़। और फिजिकल एजुकेटर्स को या टीचर्स का या कोचेस को लोगों जिन लोगों के साथ उठते बैठते उनके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए एंड अदर पीपल सो दैट, और बाकी लोगों के लिए भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो देयर फुट स्टेप्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उनके फुट स्टेप्स पर, उनके पद चिन्हों पर चल सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके, फॉलो कर सके। फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर मस्ट एनकरेज ट्रेनर्स टू पे टू प्ले एज पर द रूल्स। और फिजिकल एजुकेटर जो होते हैं या टीचर जो होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर, उनको खिलाड़ियों को बोलना चाहिए कि आप रूल्स के हिसाब से चलें, आप बेडंगा ना खेलें, जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम ऑल्सो। ठीक है, डोंट प्ले हैपजर्डली, डोंट प्ले अनफेयरली, डोंट प्ले हिट बिलो द बेल्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे निस्वार्थ हिसाब से में आप खेलेंगे और रूल्स जो भी बनाए गए हैं, रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं, तो कैनन्स जो भी बनाएंगे उन पर आप चलिएगा ठीक तरह से, तो वैल्यू खुद ब खुद ही आएगा। गेम शुड बी प्लेड इन द स्पिरिट ऑफ द प्ले एंड नॉट फॉर विनिंग। गेम को सिर्फ प्ले के लिए खेलना चाहिए और विनिंग के लिए नहीं सिर्फ। एंड कोचेज एंड फिजिकल एजुकेटर्स शुड बी कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। और इसके अलावा ये जो होना चाहिए कोच, वो कमिटेड भी होना चाहिए। ठीक है, वो कमिटेड का मतलब हो गया उसके मन में हमेशा होना चाहिए कि दैट आई हैव टू एनहांस द वैल्यू सिस्टम, आई हैव टू एनहांस द वैल्यूज ऑफ द ट्रेनीज, ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन्स, एंड दिस थिंग शुड ऑलवेज रील इन हिज माइंड दैट थ्रू कॉन्टिन्यूस टेलिंग और थ्रू कॉन्टिन्यूस एडवाइस और थ्रू कॉन्टिन्यूस काउंसलिंग द लर्नर्स और द ट्रेनीज मस्ट बी टॉट दैट वैल्यूज पे इन द लॉन्ग रन। तो विनिंग एंड लूजिंग इज़ ए पार्ट ऑफ द गेम। ठीक, यू मस्ट प्ले द गेम इन द सेपरेट ऑफ द गेम। गेम को गेम की खातिर खेलिए ना, ठीक तरह से खेलिए, अच्छी तरह ढंग से खेलिए, अपनी क्षमता काबिलियत और स्किल के साथ खेलिए, और जिसकी स्किल सबसे अच्छी हो उसको जीतने का मौका तो मिलना चाहिए ना, उसको एनकरेज मिलनी चाहिए। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कल मार्क्स कहाँ ज़्यादा आएंगे, तो फिर उस वक्त हम नकल करेंगे तो नकल के द्वारा हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि साइड में एक अच्छा लड़का भी होता है जिस बेचारे ने साल भर मेहनत की होती है, तो आप जो नकल करने वाला उससे भी आगे चला जाता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, ये कोई अच्छा वैल्यू नहीं है, इसको नहीं माना जाए। इसीलिए कॉपिंग शुड नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशंस। टीचर को चाहिए कि कॉपिंग अलाउ ना करे। क्यों? क्यों? अच्छे बच्चों का मेरिट जो है बेचारों का डाउन हो जाता है। ठीक है, जो बच्चा कॉपिंग करता है, बुक साथ ले ली, गाइड साथ ले ली, अच्छी तरह से इधर एग्ज़ाम में लिखा, अच्छे मार्क्स ले आए, तो जो हार्ड वर्क कर रहा था वो बेचारा तो फिर पीछे रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये बच्चों को अच्छी बात वैल्यू सिस्टम जो है रोज़ के रोज़ बोलने चाहिए और उनमें इस चीज़ों का डेवलपमेंट भी कराना चाहिए, और ये टीचर शुड बी कमिटेड फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आई फील दिस विल सफाइस फॉर टुडे। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।